बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 10। नेक्स्ट आज सबसे पहले चैप्टर का नेम, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे हम, चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितनी तरह की होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली थी। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे मजीद जानदार पैदा करते हैं जिनके अंदर वैसे ही करेक्टर्स होते हैं जैसे कि पेरेंट्स के अंदर थे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमें देखनी है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितनी तरह की रिप्रोडक्शन होती है। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों को हम डिफाइन कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब हम ए यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड, ए मीन्स एब्सेंट। ठीक है, साइंस में जब भी जहां भी हम ए का वर्ड यूज करेंगे किसी भी चीज के साथ, तो ए मीन एब्सेंट, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, वो एब्सेंट है, उसकी एब्सेंस में ये काम हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही सेल, एक सिंगल पेरेंट होता है, इसमें दो पेरेंट्स नहीं होंगे, एक ही पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट से एक सेल जो है उसके अंदर डिवेलपमेंट होती है, सारी उसकी डिवेलपमेंट कंप्लीट होगी और उससे एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑफस्प्रिंग, एक नया जानदार बन जाएगा। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाती है? उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह से सिंपली हम बात करते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रही होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट होता है, उसी से एक नया हमारे पास पौधा आ जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल है, जिस तरह से हम कटिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी हम कलमकारी करते हैं। ठीक है, सिंपल सी एग्जाम्पल के रोज ही गुलाब के पौधे की हमें कलम लेते हैं, हम उसे जमीन में लगा लेते हैं, उससे एक नया हमारे पास उसी की तरह का प्लांट आ जाता है। तो एक ही पेरेंट की बात है, इसमें दो तो नहीं थे, एक ही पौधे से हमने वो कलम ली, हमने उसको जमीन में लगा दिया, उससे एक नया पौधा बन गया। ठीक है, या हम ग्राफ्टिंग करते हैं जिसे हम प्रबंध करें कहते हैं, हमने एक पौधे से कलम ली, दूसरे पौधे के तने के अंदर हमने वो लगा दी, दोनों के जब वास्कुलर बंडल्स आपस में मिल जाएंगे तो इस तरह से एक ही ट्री के ऊपर, एक ही दरख्त के ऊपर हमारे पास दो वराइटीज आ जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, या लेयरिंग का प्रोसेस है कि एक हमारे पास पौधा है, उसकी हमने एक ब्रांच लिया, उसी को वहीं पे हमने जमीन के अंदर दबा दिया, तो उससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, यानी जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उससे एक नया हमारे पास ऑफस्प्रिंग, एक नया इंडिविजुअल आ जाता है, ये रिप्रोडक्शन कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दूसरी टाइप है हमारे पास जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसमें हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट्स से गैमेट्स आते हैं, वो मिलके आपस में एक जाइगोट बनाते हैं और इस जाइगोट के अंदर भी फर्दर इसकी डेवलपमेंट होती है, जिससे पूरा जानदार एक इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पे हम बात करते हैं गैमेट्स दो तरह के हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल्स के अंदर एग्स बनते हैं, दोनों आपस में यूनाइट, ये दोनों गैमेट्स हैं। ठीक है, ये स्पर्म्स और एग्स जो है इन्हें हम गैमेट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा है टू गैमेट्स, कौन कौन से थे? दो, ये यहाँ पे लिख रही है, एक ये है एक ये है। ठीक है, ये मेल के अंदर होते हैं, फीमेल्स के अंदर होते हैं, ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलेंगे, मिलकर उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने जाइगोट बना दिया, ये यहाँ पे हमने मेंशन किया है, एक नया सेल बन गया जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इस जाइगोट के अंदर फिर फर्दर इसके अंदर डिवेलपमेंट होगी और इसी से पूरा इंडिविजुअल, पूरा जानदार बन जाएगा। तो ये क्या है? इससे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, जिस तरह से फ्लावर है, हमने बात की थी फ्लावर की, हम इसके पार्ट्स भी सारे ड्रॉ किए थे, उसके अंदर मेल पार्ट भी होता है, उसके अंदर फीमेल पार्ट भी होता है, तो ये किस तरह से बनता है वो भी इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बन रहा होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स मेल से आते हैं, फीमेल्स के अंदर फिर एग मौजूद होता है कार्पल के अंदर, वो दोनों जब आपस में यूनाइट करते हैं तो फिर जाइगोट बनता है। तो इस तरह से जो फ्लावर है, फ्लावर से फिर एक सीड बनेगा, सीड से हमारे पास एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो गई दो हमारे पास इसकी टाइप्स रिप्रोडक्शन की काइंड्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टर्म यूज की है फर्टिलाइजेशन, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में यूनाइट करते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर एक नया सेल बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी का आगाज है, एक पहला सेल है जहां से एक जानदार की जिंदगी का आगाज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है
प्रोसेस सारा बताया हुआ है हाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ये फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, यानी स्पर्म्स और एग्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट कैसे बनाते हैं, ये हमने देखना है। पोलन ग्रेन्स की हमने बात की थी, अगर आपको याद हो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था हमने, इस तरह से हमने ये कहा था कि एक नीचे जो ये डंडी की तरह का स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या कहा था फिलामेंट, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसे हमने क्या बोला था एंथर, ठीक है। और ये सारा क्या है, ये स्टेमन है, यानी ये मेल पार्ट है, क्या है ये स्टेमन, ठीक है मेल पार्ट। हमने ये कहा था ये जो एंथर है इसके अंदर अब यहाँ पे क्या बनते हैं पोलन ग्रेन्स, तो यही वो पोलन ग्रेन है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन है, ये इसका स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन ये इसकी सरफेस जो है ये स्टिकी है, चिपकने वाली, हमने ये भी कहा, ठीक है, रफ सी सरफेस होती है इसकी पोलन ग्रेन्स की, तो इसलिए ये जैसे ही कोई भी इंसेक्ट या बर्ड जाता है किसी भी फ्लावर के ऊपर तो उसकी बॉडी के साथ स्टिक कर देते हैं रफ सरफेस की वजह से। अब क्या होगा, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर से ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर आप देख रहे हैं क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर ये स्पर्म्स मौजूद है, इसके अंदर से पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, पोलन ट्यूब आहिस्ता आहिस्ता साइज में बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन जाके गिरा है इसके ऊपर, ये सबसे पहला पार्ट था हमारा, ये सारे का सारा क्या है, ये फीमेल पार्ट है जिसे हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। कार्पल के फिर हमने अपने नजीर तीन हिस्से देखे थे, सबसे पहला ऐसा स्टिग्मा जो कि स्टिकी है चिपकने वाला है, दूसरा हमने कहा था स्टाइल, और तीसरा हमने बोला था ओवरी, ओवरी के अंदर क्या चीज मौजूद है, ओव्यूल मौजूद है। अगर आपको याद हो जो पीछे में लेक्चर पढ़ा था, ये वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये फीमेल पार्ट है जिसे हम कार्पल बोल रहे हैं, इसके ऊपर जैसे आप ये पोलन ग्रेन गिरा है, ठीक है, पोलन ग्रेन गिरा उसके अंदर से क्या चीज यहाँ पे ग्रो हुई, पोलन ट्यूब। अभी हमने बात की है कि हर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब ग्रो करती है, पोलन ट्यूब का साइज ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा, ये देखिए इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा फिर एट लास्ट वहां पे पहुंच जाएगी सेंटर में, यहाँ पे क्या चीज हमारे पास यहाँ पे क्या था, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या चीज मौजूद है, ओव्यूल, ठीक है, यहाँ पे एग मौजूद है। अब यहाँ तक ये पहुंच गया, इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, ये स्पर्म्स भी मौजूद है, यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर ये स्पर्म्स भी मौजूद है पोलन ट्यूब के अंदर, और एक ये है ट्यूब न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि बाद में खुराक भी तो चाहिए होती है ना, ठीक है, तो खुराक को जखीरा करने के लिए भी एक सेल बनाते हैं। अच्छा ये जाएंगे, जब ये स्पर्म जाएंगे तो यहाँ पे एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज कर देता है, जैसे ही स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करके क्या बन जाएगा, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं जाइगोट बनता है इससे, ठीक है। स्पर्म और एग के आपस में फ्यूज करने से मिलने से क्या चीज बनती है, जाइगोट बनता है, और इसी को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, हमारा टॉपिक भी है हाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है प्लांट्स में, हमने यही देखना था, ठीक है। एक पोलन ग्रेन है, जैसे ही जाके वो गिरा है स्टिग्मा के ऊपर, उसके अंदर से पोलन ट्यूब ग्रो की है, वो जैसे जैसे साइज में बढ़ती जाएगी वो ओवरी तक पहुंच जाएगी, ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल, वहां पे एग है, एग के साथ स्पर्म यूनाइट करेगा और वो जाइगोट बना देगा, और जो दूसरा स्पर्म था वो एक और सेल के साथ यूनाइट करता है और वो एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है, ताकि खुराक को जखीरा किया जा सके। आपको पता है ना प्लांट्स अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए से, तो जब तक हमने अगर एक बीज को बो दिया है, जब तक वो जमीन के अंदर है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा ना, तब तक वो खुराक कहाँ से लेगा, वो किस तरह से वो ग्रो करेगा, तो वो उस एंडोस्पर्म टिश्यू से खुराक ले रहा होता है, तब तक उसके बाद फिर वो ग्रो करता है, जमीन के ऊपर आता है, फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो वो खुराक बनाना शुरू करता है। तो ये सारा प्रोसेस था जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। स्पर्म आके यहाँ पे इसके साथ यूनाइट करके जाइगोट बना देंगे, दूसरा जो स्पर्म है वो एक और सेल के साथ मिलेगा और खुराक को जखीरा करने के लिए टिश्यू बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी चेंजेस आ रही होती है फ्लावर के अंदर। सबसे पहले तो जो उसकी सेपल्स हैं, इसकी पेटल्स हैं और स्टेमन है, ये सारे के सारे ड्राई हो जाएंगे, ये वहां से गिर जाएंगे, ठीक है। जो ग्रीन कलर की पत्तियां थी, जो शोक रंग की पत्तियां थी, और जो मेल पार्ट था जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ भी किया है, ये सारे के सारे जैसे ड्राई होंगे तो ये वहां से उतर जाएंगे उसके साथ से, ठीक है। जस्ट फिर क्या रह जाएगा, ये एक फीमेल पार्ट जिसे हम कार्पल बोलते हैं, जस्ट ये चीज फिर रह जाएगी। फिर इसके अंदर मजीद चेंजेस आ रही होती है, इसके अंदर फिर कैसे चेंजेस आ रही होती है कि यहाँ पे जो जाइगोट था वो डिवेलप करेगा और वो एम्ब्रियो में फर्टिलाइज्ड एग है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी क्या बना देगी, ओवरी फ्रूट बना देती है, जो फ्रूट हम खा रहे होते हैं, बेसिकली हम क्या चीज खा रहे होते हैं, जो यहाँ पे इसका तीसरा हिस्सा है ना कार्पल का, जिसे हम ओवरी बोलते हैं, बेसिकली हम वही खा रहे होते हैं, वो फ्रूट, ठीक है। और जो ये ओव्यूल है अंदर सेंटर में, ये क्या चीज बन जाती है, ये सीड बना देता है, ये बीज बन जाता है जो अंदर की तरफ पहुंच जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंजेस आती हैं इसके अंदर,
ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। होप सो क्या आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद आपने रीडिंग भी कर लेनी है और आपने डायग्राम भी देख लेनी है बुक से।